मेरे वालों तुम सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सो दोस्तों, अज की इस वीडियो के आप गल कर लगे हैं अपना जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का CS50 का इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस कोर्स आ। सो एनरोल किया लास्ट वीडियो मैं इस रिलेटड पाई से एक प्रॉब्लम सैट में लैके, तो उस वीडियो के जाने कि मैं एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया भी इस जाने कि पूरा प्रोसीजर है इस कोर्स का की है, जिमें इनरोल करने तो लैके किमें इनरोल करते हैं, जिमें प्रॉब्लम सैट वगैरह सोल्व करते हैं, गिटहब नाल लिंक वगैरह करते हैं, तो उस रिलेटड यह अज्ज दी वीडियो है। तो सब तो पहले आप चलो इस कोर्स बारे थोड़ी बहुत गल कर लें। यह कोर्स जाने कि कोई भी कर सकता है, ये आप स्टार्टिंग तो लैके सिंपल स्क्रैच तो लैके कोडिंग सिखाते हैं, तो फिर सी लैंग्वेज, पाइथन, MySQL, सो ये सब कुछ सिखाते हैं। तो मैं भी इस कोर्स में पिछले 3-4 महीनों तो कर रहा हूँ। तो यह कोर्स ने जाने कि मैं एक किस्म की लॉजिकल थिंकिंग अपन जिम्मे होंगी है इस प्रॉब्लम सोल्व करने चाहिए होंगी है, सो वो अपनी काफ़ी ये डेवलप होंगी है। तो मैंने यदा बहुत फायदा होया, जिम्मे मैं पिछले महीने एग्जाम दे के आया सीगा TCS NQT का, तो उत्थे सेम प्रॉब्लम सैट आया होया सीगा जिहड़ा मैं इत्थे पहला सोल्व किया सीगा सीजर साइफर वाला। तो सब तो वध जिहड़ी इहदे विच कोर्स दे विच मैनू गल ने अट्रैक्ट किया सीगा वो सी इहनां दी वीडियो क्वालिटी। सो इन दी वीडियो क्वालिटी जिहड़ी आ 4K दे विच वीडियो लैक्चर शूट होए ने, वो भी एक किस्म के ऑडिटोरियम के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, तो जाने कि वीडियो वाला एक्सपीरियंस जो मैं पहली बार देखी सी तो बहुत अमेजिंग सी। सो आप इस कोर्स के इनरोल करते हैं। ये कोर्स की लेंथ हैगी 12 वीक्स, तो 6 to 18 घंटे पर वीक। सो आप सिंपली हूँ इनरोल करते हैं। सो इस कोर्स में आप जाने कि सर्टिफिकेट वास्ते नहीं करेंगे, इनू आप करेंगे ऑडिट दिस कोर्स। सो जाने कि जो सर्टिफिकेट कर लेना है तो तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो बाकी नहीं तो इतने फाइनैशियल असिस्टेंस वास्ते अप्लाई कर सकते हो। जाने कि इतने अपन सारे इन्होंने दसना पैदा भी थोड़ी फाइनैशियल कंडीशन कि जो थोड़ा सर्टिफिकेट ज़्यादा जरूरी है तो एक आपको जाने कि थोड़ा जहाँ स्कॉलरशिप टाइप मांगो थोड़ा जहा लैस कर देंगे। उस तो बाद जिम्मे तुम देख सकते हो इधर इन्हें कम्यूनिटीज़ ने जिम्मे डिस्कॉर्ड वगैरह जन देने लिंकडिन वगैरह जो भी सारा जाने की प्रोफाइल्स ने। सो इतों अपने जाने के दिते हुए हैं week 0, week 1, सो आ सारे दिते हुए हैं, तुम सिंपली इतों कर सकते हो या फिर तुम सिंपल इतने क्लिक कर सकते हो स्टार्ट कोर्स। सो जिमें ही जाने की स्टार्ट कोर्स से क्लिक करोगे तो इतने अपने को week 0, सो week 0 के इतने अपन सारे दिते हुए लैक्चर, नोट्स, स्लाइड्स, सोर्स कोड, जो भी जाने कि इन्होंने वीडियो यूज़ किए हैं। तो वीडियो जो तुम EDX की साइट पर देखनी है तो तुम इतने क्लिक सर्च कर सकते हो भी कितनी थोड़ी क्वालिटी चाहिए, 360, 720, 1080 पिक्सल, सो 4K, या सिंपली तुम यूट्यूब पर जाके देख सकते हो इन्हें वीडियो। सो हुण आपां गल करदे हां प्रॉब्लम सैट दी, जिवें आपां इहदे विच आपां वीडियो देख ली, उस तो बाद जिवें हुण प्रॉब्लम्स वगैरह इहदे विच सोल्व करने होंदे असाइनमेंट्स, सो तुसीं उहदे वास्ते सिंपली प्रॉब्लम सैट उत्ते क्लिक कर सकते हो। सो इस दे विच जिवें तुसीं देख सकते हो week 0 च स्क्रैच दा कवर कर रहे हैं, 1 दे विच सी दा, फिर एरेज, एलगोरिदम, मैमरी, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, SQL। सो सब तो पहले इन्हें week 0 दे विच अपना प्रॉब्लम सैट 0 दे विच जिहड़ा हैगा आपां नूं स्क्रैच वाला प्रोजेक्ट करन वास्ते कह रहे ने। सो इतने की स्पेसीफिकेशनस आप देखते हैं। सो इतने इन्होंने सर दिता हुआ भी थोड़े इस प्रोजेक्ट के बेच दे की होना चाहिए है, जिमें इन्होंने कहा हुआ हाउ टू सबमिट, तो दिस फॉर्म के उत्ते क्लिक करेंगे। सो इस तो बाद जाने कि आपको ऑथेंटिकेशन वास्ते कह रहे हैं ऑथोराइज CS50, सो आप इन्हें अलो कर दें। सो प्रॉब्लम सैट 0 के वास्ते अपन जाने कि सारा कुछ इतने अपन भरना पैना, जो गोल फॉर्म क्रिएट किया। सो ये जाने कि स्टैप आप जिमें हम प्रोजेक्ट है तो आप कोई करा स्क्रैच वाला बनावे तो उत्तों जाने कि इन आप सबमिट करना, तो वह जाने कि इतने दसिया भी जो तुम उस स्क्रैच प्रोजेक्ट के थोड़ा कुछ कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह यूज़ हों तो आप इतने एंटर कर सकते हैं। सो आप प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, आप सिंपली इन करते हैं कैंसल। सो इनू कैंसल करके आप जाने कि सिंपल आप प्रॉब्लम सैट 1 तो आने ये 0 सी। सो हाँ इन्हों का प्रॉब्लम सैट 1, सो इस इन्होंने सब तो पहले दस्या हुआ GitHub वगैरह से अपन साइन इन करना, तो उस तो बाद जिम्मे आप सबमिट करना हैलो तो वह देखते हैं आप हम किमें करते हैं। सो आप सब तो पहले इतने पहुँच जाते हैं IDE.CS50। सो जड़ी जाने कि इनकी आपकी IDE है जिथे आप मेन कोडिंग वगैरह करते हैं, इतने आपने लॉग इन करना अपने GitHub के अकाउंट नाल जो आप बनाया। सो मेरा GitHub का अकाउंट है इस टाइम अपना है वीर YT, सो उस आप इन ऑथराइज़ कर देने।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗਿਟਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ CS50 IDE ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਟਹਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CS50 ਦਾ ID ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ID ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ID ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਮੋਡ ਦਾ ਡਾਰਕ ਮੋਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬਮਿਟ ਹੈਲੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈੱਟ 1 ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CS50 IDE ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਨੀਚੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, MKDIR। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ PSET1। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੋਲਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈੱਟ 1। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ CD, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ PSET1। ਸੋ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈੱਟ 1 ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈੱਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਵਾਲੀ, ਮਾਰੀਓ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, CD ਹੈਲੋ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ। ਸੋ ਨਿਊ ਫਾਈਲ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ hello.c। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਕ ਹੈਲੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ .hello ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ CHECK50। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ CHECK50 CS50 ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2020X ਹੈਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਿਟਹਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ CS50 IDE ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ CHECK50 ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿਟਹਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ VYT। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਯੂਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਔਰ ਪਾਸਵਰਡ ਵੈਲਿਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸਬਮਿਟ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਰ ਐਰਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਏਰਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 2-ਫੈਕਟਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਟਹਬ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਟੋਕਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਨਰੇਟ ਨਿਊ ਟੋਕਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੈਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋ ਟਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੇਣੀ
पब्लिक की नहीं रिपो हुक देनी पैंती है तो बाकी है डिलीट रिपो। सो आप तीन परमिशन इन दे रहे तीन चार। सो इस तो आज आप सिंपली कर देना जनरेट टोकन। सो टोकन अपने जनरेट हो चुके हैं तो इतों आप जाने की आ जो भी अपने दिता हुआ एसेस टोकन। सो यह आप क्लिक करेंगे तो यह एसेस टोकन जाने के जिसे को भी होगा वो अपने अकाउंट में असैस कर सकता है पासवर्ड की जगह भर के। सो अपन दोबारा कर दें चैक। सो इतने आप एसेस टोकन अपना एंटर करेंगे तो हूँ वेरीफाई हो रहा हजे भी चुके नहीं है। सो दोस्तों आपां नूं जाने कि इतने हूँ मेल आई हुई सी आप मेल चैक नहीं करी। सो इतने आप बॉट हैज़ इनवाइटेड यू टू कोलैब। सो आप इनविटेशन पर क्लिक करते हैं व्यू इनविटेशन। सो इतने आप एक्सेप्ट करते हैं चैक 50। सो मैनू लगता हूँ जाने कि अपना हो जूगा तो टोकन आप एंटर करते हैं एंटर। सो अपना हूँ चक लेने हूँ वेरीफाई कर रहे हैं। सो अपनी सिंपल प्रॉब्लम यह सी जिमें आप जाने कि आप लिंक वगैरह करते हैं तो आप मेल वगैरह चैक कर लियो मेल से जाने कि आप मेल वेरीफाई करते हैं तो आपसैप्ट करनी पैंती उन्होंने इनविटेशन। सो अपना जाने कि रेड ग्रीन च शो कर रहे हैं। सो इसका मतलब अपना जाने कि सारा सही है तो अपनी जो भी आउटपुट होनी चाहिए सी इन्हों आ गई। सो सबमिशन वास्ते अपन सिंपली दिता है इन्होंने सबमिट 50 सी एस 50 प्रॉब्लम्स सबमिट कर दें। सो सबमिट आप हूँ कर दें सबमिट सी एस 50 प्रॉब्लम। सो अपन बार बार जाने कि हम ऑथेंटिकेशन जाने कि ने आप ही कर लेनी जिमें हम चैक 50 चलाया से उत्थे पासवर्ड भरे से। सो इन्हें ऑटोमैटिकली चक लिया हूँ दोबारा बन की लड़ नहीं पी। सो इतने हम आप कह रहा है भी सबमिट करने वास्ते यस और नो। सो आप कर दें यस। सो अपना हूँ जाने कि अपलोड हो रहा है कोड। सो अपलोड हो गया तो अपना सबमिट जो लिंक दिता हो इतने आप क्लिक करके देख सकते हैं अपना रिजल्ट। सो आज जाने कि हम देख सकते हो अपना रिजल्ट आ चुके हैं तो चैक 50 4 आउट ऑफ 4 तो स्टाइल 51। सो दोस्तों जिमें कि हम तुम देख सकते हो अपना सारा कुछ हो चुक है। सो इस तरह अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह अगे जिमें आप सोल्व करते हैं इस तरीके जाने की सारे स्टैप होंगे ने जो भी चैक 50 वगैरह सबमिट वगैरह तो बाकी जाने कि एक बार आपस गिटहब से अपना सी एस 50 आई डी आपस लिंक हो गया तो मुड़ के फिर जाने की बहुत ही प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपली तुम हर बार जाने कि गिटहब से जाके आपका टोकन जनरेट कर सकते हो तो वो इतने जाने कि अपना एंटर करके अपना काम कर सकते हो। सो इस तरह बाकी लैक्चर तुम असैस कर सकते हो इस साइट तो इतने प्रॉब्लम सैट वगैरह हो गए तो शॉर्ट वीडियोज़ हो गई स्लाइड्स हो गई नोट्स हो गए सारा कुछ इतने अवेलेबल है। आई होप थोड़ा डाउट क्लीयर हो गया होगा भी आप किमें लिंक वगैरह करते हैं किमें इस कोर्स के इनरोल करते हैं तो जेकर हम जाने कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई आँदी अगर फेस होंगी है तो जरूर दस्यो तो आप भी सोल्यूशन लेके आवेंगे। मिलता थोड़ा अगली वीडियो के स्वास्थ्य वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद।